सो हेलो गाइस, मेरा नाम फेलिक्स और आप देख रहे हैं टेक्निकल फेलिक्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में गाइस हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक स्मार्टफोन का, जो कि गाइस अपना पोको की तरफ से आने वाला पोको C3। तो इसका एक गाइस इस वीडियो में होने वाला है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, साइड में लगा बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए गाइस, बिना देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने स्मार्टफोन को जो परचेस करा था फ्लिपकार्ट से, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉक्स एंड इसका जो है गाइस इसका प्राइस वगैरह मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। तो चलिए, इसका जो स्मार्टफोन की बात है तो सामने कुछ इस प्रकार से येलो कलर के बॉक्स में जो है देखने को मिल जाता है। जैसे देख सकते हैं इसमें आपको जो है पोको C3 लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है चारों तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ ऑब्वियसली, एंड ऊपर तरफ वैसे वो प्राइस इसका जो है मैंसन है, जो कि जैसे मैंने कहा आगे चल के मैं जैसे प्राइस वगैरह कितना है सब कुछ बता दूंगा, जो फीचर्स कुछ मैंसन है जो मैं आपको आगे भी चल के बता दूंगा। इसी तरह से कुछ फीचर्स मैंसन है, जैसे इसमें मेरिट का हीलो G35 आता है, AI ट्रिपल रेयर कैमरा आता है जो कि 13 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है इसमें, एंड 6.53 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखने को हमें मिलता है। एंड चलिए अब इसका भी हम सीलिंग वगैरह ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं मेरा जो स्मार्टफोन किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो मैंने इसे जो परचेज किया था ये आर्टिक ब्लू कलर में है, अब और दो कलर भी देखने को मिल जाते हैं गाइस आपको, एक ग्रीन कलर में देखने को मिल जाता है, एक ब्लैक कलर में भी देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर गाइस एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि सिम रिलेटेड टूल उसमें रखा हुआ है, एंड एक यूज़र गाइड भी उसके ऊपर देखने को मिल जाता है। उसका नीचे गाइस आपको जो है USB टू माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है जिसका लेंथ भी अच्छा खासा है, और उसका नीचे गाइस आपको अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि गाइस 10 वाट का चार्जर है, मतलब 5W 2A का चार्जर है, नॉर्मली चार्जर है ये भी। एंड स्मार्टफोन की बात करें तो जैसे मैंने कहा इसमें आपको 6.53 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली डिस्प्ले साइज ऑब्वियसली बड़ा है तो फोन भी थोड़ा बड़ा लगने वाला है। इसमें कैसे डुअल टोन में डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। अगर इसको कुछ और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको जो है राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है, एंड उसके नीचे कैसे आपको पावर बटन भी देखने को मिल जाता है। टॉप साइड में गाइस आपको देखने को मिल जाता है आपको 3.5 ऑडियो जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलता है गाइस, पूरा खाली है। एंड लेफ्ट साइड तरफ गाइस आपको देखने को मिल जाता है आपका सिम ट्रे जो कि आपका डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, मतलब गाइस आप इसमें 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड वगैरह आराम से लगा सकते हैं, एंड इसको एक्सपैंड कर सकते हैं टू 512 GB जो कि बहुत ही अच्छा है। नीचे गाइस आपको प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से मैं स्मार्टफोन को बूट कर लेता हूँ एंड बात करता हूँ इसको और फीचर्स के बारे में, पहले से निकालते हैं फिर। तो इस मैंने फटाफट से बूट कर लिया, जैसे कि देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, कलर्स वगैरह सभी अच्छे देखने को मिल जाता है। इस वजह से आपको ऐप ट्रे देखने को मिलता है, मतलब ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है। और कैसे और फीचर्स के बाद कैसे इसमें आपको MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट इसमें एक चीज़ अच्छा है कैसे इसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस इसमें आपको 4GB RAM 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो मैंने परचेस करा है, बट इसमें 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी सभी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड अगर हम बात करें इससे कैमरा की तो ओबियसली गाइस इसमें आपको देखने को मिल जाता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जो कि गाइस आपको 13+2+2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो तरह तरह के फोटोज़ वगैरह जैसे क्लिक कर पाएंगे, एंड सामने आपको देखने को मिल जाता है 5 MP का कैमरा। इस वजह से आपको सारे प्रकार का जो कैमरा फीचर्स जो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो है फ्रंट कैमरा रियर कैमरा से बहुत अच्छे पिक्चर्स जो है क्लिक कर पाएंगे एंड वीडियोस भी बड़े आराम से ले पाएंगे। मैं आपको कुछ सैंपल्स वगैरह दिखा देता हूँ गाइस आपको स्क्रीन में, जैसे देख सकते हैं कुछ सैंपल्स वगैरह, तो बताइएगा कि आपको किस प्रकार से लगे मुझे। तो इस मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर बताऊँ तो ये भी सारी मुझे अच्छे ही लगे। एंड जो फोटोज है मैंने गाइस ऑब्वियसली लो लाइट कंडीशन में बस लिया है, मतलब उस टाइम जो शाम का टाइम था तो उस टाइम में लिया है, तो बताइएगा इसको किस प्रकार से ये लगे। तो गाइस मैंने फटाफट से जो है फेस अनलॉक जो है कर लिया, मतलब लॉक लगा लिया, तो गाइस इसमें क्या है ना आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इसमें देखने को नहीं मिलता है, सो दैट्स ए डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली फेस अनलॉक भी गाइस आपको बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको जो फेस को जो है बहुत जल्दी अनलॉक जो है कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर हम बात करें स्मार्टफोन की तो ये गाइस इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से गाइस आपको जो बैटरी बैकअप जो कोई कमी नहीं होने वाला है, एंड ऑब्वियसली बहुत ही लंबा चलने वाला है। और इसमें गाइस एक चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें बैटरी 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये क्लेम कंपनी ये क्लेम करती है कि आपको जो है 25% एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप जो है अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है।
जो गैस आपको दो रैम वेरिएंट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि 3GB एंड 4GB। 3GB रैम वाले का जो प्राइस हो गया 7,349 रुपीज़ एंड 4GB रैम वाले जो वेरिएंट है इसका प्राइस गैस आपको 8,349 रुपीज़। सो ये है इसका करंट प्राइस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर स्मार्टफोन की बात करें तो वैसे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका परफॉर्मेंस के मामले में वैसे स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज में, एक्सेप्ट गाइस अगर फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली इसको ले सकते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, बट अगर फिंगरप्रिंट चाहिए तो देन ऑब्वियसली थोड़ा को डिसअपॉइंट करेगा ये। एंड यही थी गाइस इस वीडियो में, मुझे यही सारी चीज़ें गाइस आपको बतानी थी। तो ऑब्वियसली तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।